दोस्तों पांचों जजेस रणविजय, नेहा धूपिया, निखिल चिनप्पा और रफ्तार की एंट्री ग्रैंड हुई है स्टेज पर और शो में जो है स्टेज पर दिखाई दिए हैं, रोडीज रिवॉल्यूशन के शो पर दिखाई दिए हैं और इस शो में क्या क्या हुआ है हम इस बारे में बात करेंगे और जो है जजेस क्या क्या नया ढूंढ रहे हैं इस रोडीज के अंदर हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर जहाँ पर हम बनाते हैं सॉन्ग से और फनी वीडियो से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस और शोज से रिलेटेड रिव्यूज। और ये मेरा पहला रिव्यू है रोडीज के रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी पहले एपिसोड के बारे में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं रोडीज रिवॉल्यूशन के एपिसोड पहले की और बात करेंगे कि इसमें क्या क्या नया हुआ है। तो रणविजय, नेहा धूपिया, रफ्तार, निखिल चिनप्पा और प्रिंस की एंट्री हुई है स्टेज पर और वो सभी जो जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जितने भी जो लोग आए हुए हैं उन्हें चेयरअप करते हुए दिखाई दिए और अपनी बात करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि हम इस बार जो है जनता की आवाज़ को ही एक तरीके से एम्पलीफाई करेंगे और जो सोसाइटी के अंदर मुद्दे हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इस रोडीज़ का नाम जो है रोडीज़ रिवॉल्यूशन रखा गया है, यानी हम यहाँ पर समाज की सोच से लड़ेंगे और उनसे लड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर जो है ये सारे जजेस जो है कलिंग राउंड के लिए सिलेक्शन करेंगे और जो लोग सब कुछ जीडी क्लियर करके लाइन में जो है फॉर्म भर के जो क्लियर कर चुके हैं तो उन्हें इंटरव्यूज के अंदर बुलाया जाएगा और इसके बाद भी एक राउंड होगा जिसका नाम है कलिंग राउंड, जिसके बारे में डिटेल में अभी नहीं बताया गया। सभी जो है जजेस जितने भी हैं, प्रिंस हों चाहे रफ्तार हों चाहे नेहा धूपिया हों चाहे निखिल हों, उनकी जो है अलग अलग जो है स्पीच भी दी गई है। यानी काफ़ी टाइम जो है अभी शुरुआत हुई थी शो की, तो शो की शुरुआत में ही जो है स्टेज पर दिखाई दिए थे और अपनी अपनी बातें जो है वो रखते हुए आए हैं। तो कुल मिलाकर घटा जोड़कर यही बात है कि जो इस बार समाज की सोच है वो रिवॉल्यूशन के थ्रू थोड़ी चेंज करती हुई दिखाई देंगे। जब वहाँ पर सब लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दिए, जीडी के लिए तैयार होते हुए दिखाई दिए, कुछ डांस करते हुए दिखाई दिए, कुछ पुशअप्स करते हुए दिखाई दिए, तो ये बहुत बेसिक सा ही रहा है रोडीज का और हर बार ऐसे ही शॉट्स जो है हमें दिखाए जाते हैं रोडीज के अंदर। तो रणविजय ने यहाँ पर एक और टास्क दिया है जजेस के लिए, यानी बाकी चारों जजेस के लिए, कि आप जो है आपके लिए टास्क है कि आप अपने बैच पर स्टार रन कर सकते हैं प्रिडिक्शन करके कि ये बंदा सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। जो भी दो करेक्ट प्रिडिक्शन करेगा वो जो है उसे स्टार मिल जाएगा और वो ही फिनाले तक जाने का उसका रास्ता होगा। तो ओवरऑल इन चारों को लिया गया है, लेकिन ये इनका गैंग नहीं है, इन्हें बस स्टार अर्न करने हैं और यही उन्हें काम करना है कि अभी इंटरव्यू के अंदर जो जो बंदा आ रहा है उसे प्रिडिक्ट करना है कि वो उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जल्दी से बात करते हैं इंटरव्यू की कि पहला इंटरव्यू किसका आया, क्योंकि पहला इंटरव्यू ये ले रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो बात करेंगे ये जो आपका पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है ये दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि पहला इंटरव्यू किसका हुआ है। तो पहला इंटरव्यू जो हुआ है अभिमन्यु सिंह का हुआ है और जो कि एक ट्रेनर भी रहे हैं, एक जिम में भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, बॉडी बनाई हुई है उन्होंने, तबला बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं ये और जो है बहुत सारी इनमें अलग खूबियाँ भी हैं और ये एक एक्टर भी बनना चाहते हैं, जो कि इंटरव्यू के दौरान ही पता चलता है, जिसपे जो है दो जज नाराज हो जाते हैं जिसमें है निखिल और प्रिंस। तो जो कि इससे वो रहते हैं मतलब इस बात से कि आप एक्टर बनने आए हैं तो रोडीज में क्या कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है इसके दौरान ही जो है इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन बाद में जो है रणविजय ने इन्हें शो के दौरान सेलेक्ट कर लिया गया और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग रहा इनका पर्सनल इंटरव्यू भी। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं अगले इंटरव्यू की, अगले सिलेक्शन की। तो अगली बार आते हैं जैवी नाम के बंदे, जिन्हें प्राइड ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है, क्योंकि वो एनिमल राइट्स के लिए काफ़ी टाइम से लड़ते हुए भी आ रहे हैं और पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। तो काफ़ी बड़ी हस्ती रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल लवर हैं और एनिमल को रेस्क्यू करते हुए आए हैं और बहुत सारी इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है। बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट और सिंपल से बंदे हैं ये और बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। और शो के दौरान जो है इनकी आकाश से भी लड़ाई हुई, जो जजेस हैं उन्होंने आकाश को भी बुलाया जिन्होंने कुत्ते को मारा था गोली से। तो इन दोनों के बीच में बहस दिखाई गई कि आपको कुत्ते को नहीं मारना चाहिए और जो है कुत्ते को वहाँ पर बचाना चाहिए था या भगा देना चाहिए था, लेकिन उसे गोली नहीं मारनी चाहिए।
जो है जय भी जो है एनिमल लवर है तो वो अपनी दलील दे रहे थे, और यहाँ पर जो है आकाश जो आए हुए थे वो अपने आप को जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने कुत्ते को गोली क्यों मारी। और यहीं पर जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए आकाश के जजेस से, जहां पर जजेस ने उन्हें लात मारकर शो से निकाल दिया। यानी ओवरऑल देखे तो आकाश थोड़े एटीट्यूड में भी लगे, गुस्से में भी लगे, और वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो जजेस ने उन्हें शो से बाहर का रास्ता नपवा दिया। और जय भी वहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो एनिमल को जो है बचाते हुए आए हैं और काफी सारे एनिमल्स उन्होंने रेस्क्यू भी किए हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत डिफरेंट जो है सोच को ये लाने जा रहे हैं अपने एपिसोड के अंदर, अपने जो है शो के अंदर। ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज रही है। बात करें अगर अगले कंटेस्टेंट की शो के दौरान, तो आए हैं विपिन साहू। ये वही हैं जिन्हें हमने देखा था मुझसे शादी करोगे में, शहनाज के लिए आए हुए थे, स्वयंवर दूल्हा बनकर आए हुए थे, और ये वही हैं जिन्हें आकाश जो पैराग्लाइडिंग करते हुए जो है अपने आप को गाली दे रहे थे, और इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा है ऑनलाइन पे। तो विपिन साहू जो है आए थे यहाँ पर, और वो जो है रोडीज बनने के लिए यहाँ पर आए थे। तो पहले मुझसे शादी करोगे में आए, जहाँ पर रिजेक्ट हो गए, और अब इन्हें हम रोडीज के अंदर देख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी की है और काफ़ी ज़्यादा जो है अपने वीडियो के थ्रू ये कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए शो के अंदर, और जो है नेहा के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इनकी कॉमेडी हुई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा जो है इनका इंटरव्यू रहा, पर्सनल इंटरव्यू रहा, और ये भी जो है शो के दौरान सेलेक्टेड हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं फाइनली मेरे रिव्यू की, यानी रोडीज रिवोल्यूशन के रिव्यू की। तो ओवरऑल बहुत रिफ्रेशिंग सा शो बनाने की कोशिश की जा रही है मेकर्स के थ्रू, और बहुत ही इंगेजिंग कंटेंट लाया जा रहा है। यानी इस बार जो है ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिखाए जा रहे, सिर्फ वही इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं जो इंटरटेनिंग है और जो कॉमेडी से भी भरपूर है। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग से जो है इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 से 5 जो है ओवरऑल इंटरव्यू दिखाएंगे ये पर शो के अंदर, क्योंकि जो फर्स्ट शो था उसके अंदर सिर्फ 3 ही इंटरव्यू इन्होंने दिखाए हैं। तो ओवरऑल बात करें तो रिफ्रेशिंग कंटेंट लाने जा रहे हैं, जो कि इंगेजिंग भी है और कॉमेडी भी इसके अंदर बहुत है। बात करें अगर इसकी इस शो की रोडीज रिवोल्यूशन की, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है मुझसे शादी करोगे के शो से, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, और कुछ डिफरेंट करने की इस बार कोशिश की गई है। हमेशा जो है रोडीज बहुत डिफरेंट जो वॉइसेज हैं उन्हें सपोर्ट करते हुए आया है, चाहे वो समाज से लड़ने के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एक महिला के अधिकार के बारे में हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो रोडीज के थ्रू जो है लोग जान पाए हैं, और रोडीज हमेशा से युवाओं की पहली पसंद ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनकी वॉइस सुनी जाती है और जो है हर किसी के हक के बारे में बात की जाती है, खासकर लेडीज के। तो ओवरऑल पूरा शो जो है इमोशन से भरपूर रहा है, और बात करूं अगर पूरे शो की, तो शो बहुत मुझे अच्छा लगा है। और इस बार तो पूरा बेसिकली शो जो है एक तरीके से बेस्ड है नई सोच के और बदलाव पे। तो ओवरऑल ये बात सुनकर अच्छा लगता है कि ऐसा शो भी आ रहा है जो युवाओं की आवाज़, जो कि अच्छी आवाज़ है, उन्हें सपोर्ट करेगा और उन्हें एम्पलीफाई भी करेगा। तो ये शो जो है यूथ के लिए बनाया है। मुझे पर्सनली ये शो शुरुआत में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि शो की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि ये शो है बदलाव के लिए, और समाज में बदलाव के लिए ही इस शो को बनाया गया है। बस सवाल ये है क्रिएटिव्स के लिए कि ये सवाल कब तक रहता है, यानी बदलाव कब तक रहता है। कहीं रोडीज भी जो है और अदर शो की तरह जो है रेगुलर वैसे ही रोडीज मोड में ना आ जाए, यानी हमें हमेशा लगातार ही ऐसी अच्छी बातें सुनने मिले, समाज में बदलाव की बातें सुनने मिले, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू इस शो के बारे में यही है कि मुझे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा है। कंटेंट रिफ्रेशिंग है, बिग बॉस के बाद जो है ये शो एक रिफ्रेशिंग कंटेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा है। अभी मुझसे शादी करोगे जो है थोड़ी पहचान बना रहा है, तब तक के लिए जो रोडीज है जो कि सैटरडे को आता है, ये अपनी जगह बना रहा है। अगर मुझसे शादी करोगे नहीं चलता है तो रोडीज बहुत अच्छी जगह बना लेगा, और जो है खतरों के खिलाड़ी भी जल्दी ही आने जा रहा है, तो उसके रिव्यू के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सैटरडे संडे को हमारे पास जो है एक रोडीज जो कि अपनी पहचान बना रहा है, और देखते हैं कि खतरों के खिलाड़ी भी क्या अपनी पहचान बना पाता है अपने कंटेंट से। तो चलिए ओवरऑल रोडीज का रिवोल्यूशन मुझे थोड़ा चेंजिंग लगा, मतलब बदलाव के लिए लगा, थोड़ा रिफ्रेशिंग भी है, इंगेजिंग भी है। ओवरऑल पूरा रिवोल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बेहतरीन लगा है।
तो आपके क्या राय है इस शो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपको कैसा लगा ये शो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।